हाँ कर्ली बैकेस लगा लिया, जो माउस डालना अपना, माउस कमांड आ रहा है जी। हाँ अब इसके अंदर लिखो अंडर स्कोर आई डी और लिख दो कोलन कोलन माइनस के वन और उसके बाहर आओ, ब्रैकेट के बाहर जाओ, तो डॉट बाहर और बाहर और बाहर जाओ, बाहर बाहर बिल्कुल, डॉट लिमिट कितने 6 दिखाने हैं, लिमिट में 6 कर लो उसके अंदर, बस सेव करो। अब देखो कुछ अंतर आया नहीं, अंदर किस पे तुमने लगाया था, आगे सर ब्लॉक डिटेल पे था। तो 12 लगा, 12 वाले लगा लो, 12 वाले पे भी बैक करो, कोड पे जाओ, ऊपर लगा लो, ऊपर सब पे लगा दो, कैटेगरी पे भी लगा दो, सब पे लगा दो ऊपर, चलो ऊपर ऊपर डॉट ऊपर आओ, ये लगा दो, और फिर तुम माइनस जूम करो, जूम माइनस करना ना, वो कंट्रोल माइनस करो ना, कंट्रोल माइनस करो ना, और माइनस करो, बस अब सेटिंग में जाकर फ़ॉन्ट साइज बड़े कर दो, थोड़ा बड़ी स्क्रीन दिखती है, 27 कर दो बस, ठीक है दिख रही है, 30 करा हूं, 30 कर दो, चलो ठीक है कर दिया, अब चेक करो होम पेज आके, ठीक है इनको भी दिखा दो, ऐसे आप लोग कर लेना, समझ में आ गया, लगा लो सब लोग चैट में, ये चलो अब आ जाओ उस पे आ जाना, लॉग इन वाले पे आ जाओ, उस रजिस्ट्रेशन वाले पे आ जाओ, चलो तो नीचे, यार नीचे होगा ना, सबसे नीचे आ जाओ, कहाँ रजिस्ट्रेशन वाला हमारा, हाँ सबका ये बन गया रजिस्ट्रेशन, सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, बोले सब लोग, हाँ ना तो बोलो तब तो मैं आगे बढ़ूँ, यस सर, यस सर, हो रहा था। है ना, चलो अब इसी को थोड़ा और सही कर लेते हैं, तो हमने क्या किया था, मैसेज का यूज किया था ना, फ्लैश मैसेज आपके में स्टोर करा दिए थे ना सब चीजें, तो चलो अब इसी को यूज करते हैं, अब इसको थोड़ा सिक्योर करते हैं ना रजिस्ट्रेशन को, है ना, क्योंकि हर कोई नहीं चला सके, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ कि आप आगे प्रोजेक्ट में यूज कर सको उसको, ऐसा हम कर रहे हैं इसको आप, तो चलो अब आओ लाइन नंबर 20, क्या नाम है तुम्हारा जी, 70 के नीचे 71 पे आ जाओ, हाँ चलो अब सब यहाँ पे देखें थोड़ा कोड को, अब हमें पहला पॉइंट क्या करना है, मतलब वैसे यहाँ जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एडमिन है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया बात खत्म हो गई, ठीक है, मगर मैं आपको ऐसा सिखा के चल रहा हूँ कि अगले प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर पाओ, हर जगह इसको यूज कर पाओ, क्योंकि हर जगह क्या होगा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होंगे, मल्टीपल लॉग इन होंगे, है ना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उस पर मल्टीपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना, तो अपन उसको उस तरीके से लेकर चल रहे हैं, वैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा काफी, उससे एडमिन ऑन कर लेगा बात खत्म, मगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई और रजिस्ट्रेशन करे सेम ईमेल से, तो उसको मैसेज क्या आना चाहिए कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आता नहीं आता, अगर आप एक ईमेल से कर चुके हो दोबारा फिर उसी ईमेल से करोगे तो एक मैसेज आता है कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नया ईमेल लोगे, चलो तो उस तरीके से बनाकर चल रहे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, इससे आप इसको हर जगह यूज कर सको, तो लिखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूजर, ऐसे लिख दो एडमिन, लेके मैं एडमिन लेके चलता हूँ, ठीक है, एडमिन चल रहा है तो एडमिन लेके चलो, है ना, इक्वल अवेट डॉट एडमिन मॉड्यूल, नहीं डॉट नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा, एडमिन मॉड्यूल डॉट डॉट नहीं आएगा,
एडमिन मॉड्यूल है ना तुम्हारा, है ना, डॉट फाइंड वन, फाइंड वन वन ओ कैपिटल, फंक्शन का साइन करली ब्रैकेट्स, ईमेल कोलन ईमेल ईमेल। अब देखो जो लास्ट वाला ईमेल है ना, ये लास्ट वाला जो ईमेल जो लिखा ना, ईमेल जो कौन सा ईमेल है जो ऊपर दिया लाइन नंबर 70 के अंदर, लाइन नंबर 70 में लिखा ईमेल है ना, और जो पहला ईमेल है वो कौन सा है जो एडमिन मॉड्यूल के अंदर है। समझ आ गया ना, पहला वाला ईमेल कौन सा होगा जो स्कीमा बनाया था आपने, दूसरा ईमेल कौन सा है जो आपने इनपुट के अंदर नेम रखा था वो ईमेल। हम यहाँ पे क्या चेक कराना चाह रहे हैं कि जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका ईमेल पहले से उसमें है तो नहीं कहीं, अगर होगा तो हम उससे मना कर देंगे भाई आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब चेक होकर किसमें आगे स्टोर हो जाएगा, एडमिन के अंदर, इसे एडमिन तो आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा, ढूंढेगा जाके एडमिन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। कंसोल करो, कंसोल कर देना एडमिन को, लाइन नंबर 71 पे, 71 पे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग एडमिन, और नीचे वाला कोड बंद कर दो अभी, 74 73 पूरा 82 तक बंद कर दो, 82 तक 81 तक, हाँ इसको बंद कर लो बस अभी, बस जाओ चेक करो लॉगिन करो, अभी सब देखो पहले, ठीक है ना, लोगो रजिस्टर करो, सेम ईमेल से करना, सेम ईमेल से, है ना, जिस ईमेल से आप कर चुके हो। हाँ चलो जैसे ईमेल से कर चुके उससे से करें तभी उठ के आएगा सब कुछ, है ना। मैं बजा देखो कंसोल में, देखो रिटॉर्ट क्या आ गया, सबको दिख रहा है, टर्मिनल ऊपर कर दो टर्मिनल पर। अब रिटॉर्ट के क्यों आया, क्योंकि ये बंदे का रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा, हम फाइंड वन ही तो कर रहे हैं, फाइंड वन जानते हो ना, ईमेल ईमेल चेक होगा, ईमेल कोलन ईमेल का मतलब क्या होता है, जो इस ईमेल में आ रहा होगा ना, जो पहला वाला ईमेल लिखा है, लाइन नंबर 71 की कोई सबको समझ आ रही है, है ना, तो बोला करो भाई 71 वाली क्वेरी। यस सर, फाइंड वन सब जानते होंगे ना, फाइंड वन कर रहे हैं ईमेल जो हमने डाला है फॉर्म से, है ना, वो जाके चेक कर रहा होगा कि जीमेल उसके अंदर है कि नहीं है, डेट आउट क्या गया, अब वहां पे ईमेल चेंज कर देना जाके ना, फिर डेट आउट का नहीं आएगा, देखो ईमेल चेंज कर देना, फिर सेंड करो, रिफ्रेश कर दो, सेंड करो, कुछ भी डाल देना मेरे जो तो मन करेगा। अब जाके चेक करो कुछ आया क्या, देखो कुछ आया, खाली आया, देखो नल आया नीचे, सब देखो नल लिखा हुआ, नल, ठीक है, तो चलो नीचे आ जाओ, टर्मिनल नीचे कर लो। अब इसके नीचे लिखो इफ कंडीशन लगाओ, इफ कंडीशन, कंसोल बंद कर लो, कंसोल कमेंट करके नीचे आ जाओ, अभी सब देख लो, अभी नोट कर लेना, हाल हो तो हो जाएगा नोट, ये लिखो इफ, इफ में लिखो एडमिन, फंक्शन का साइन, एडमिन कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, लिखो इसके अंदर, देखो आर ई क्यू डॉट फ्लैश। अब देखो हमें मैसेज शो कराना पड़ेगा, अगर ईमेल पहले से होगा तो हमने क्या लगा, इफ के अंदर अगर ईमेल है एडमिन के अंदर, अगर ईमेल आ रहा होगा उसका डेटा आ रहा होगा ना, तो अपन एक मैसेज शो करा देंगे, लिखो फ्लैश एफ एल एफ एल एस एच आर ई क्यू डॉट फ्लैश, आर ई क्यू डॉट फ्लैश एफ एल ए एस एच, फंक्शन का साइन लगाओ, देखो सिग्नल कोड में एरर, कॉमा लगाओ उसके बाद, सिग्नल कोड के बाद कॉमा
कॉमा लिखो उसका सिंगल कोट करना है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब नीचे करो res डॉट रिडायरेक्ट, res डॉट रिडायरेक्ट, वापस उसी पे आ जाएगा ना लॉगिन वाले रजिस्ट्रेशन वाले पे ही। फंक्शन का साइज सिंगल कोट में स्लैश रजिस्टर्ड, ये तुम्हारा यूआरएल होगा। सबको पता है ना रिडायरेक्ट में क्या आता है, यूआरएल आता है ना। अब क्या होगा, रुको 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 तो रुको तो सर, ये सिंगल सिंगल कोट के अंदर से एक ही उसमें नहीं आ सकता था किसके अंदर? ये सर req डॉट फ्लैश लिखा है जो अपन ने, जो मतलब मैसेज प्रिंट करवाया है सर, ये कॉमा एक एक के अंदर नहीं आ सकता था ये? एक के अंदर मतलब कैसे, एक के अंदर उसी एरर के अंदर? मतलब ये कॉमा भी उसी के अंदर आया था पूरा, एक अपन जैसे कंसोल कराते हैं किसी चीज को। अरे भाई तो मैसेज शो करा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? सही करना, कंट्रोल जेड करो ना, और कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड कर दो वैसे ही आ जाएगा ना। अरे ये कंट्रोल जेड कर लो बस। अब मैं इसका लाइन नंबर 74 का मतलब क्या हुआ, एरर में क्या स्टोर हो रहा है ये बताओ, एरर में क्या स्टोर हो रहा है? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यही तो मैं कराना है उसके अंदर स्टोर, एरर को कहीं हम पास करेंगे। आई बात समझो, कंसोल में थोड़ा ना शो कराना है। मैसेज कहाँ से होंगे? ब्राउजर पे, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, वेबसाइट पे आना, वेबसाइट पे आओ। जब हम फॉर्म भरेंगे, बैक करो, जब हम फॉर्म भरेंगे तो मैसेज ऊपर आएगा ना, रजिस्ट्रेशन एडमिन लिखा है, इसके नीचे एक मैसेज आएगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझाया? तो अब हमने मैसेज तो बना लिया फ्लैश का यूज करके और एरर में रख लिया, अब इसको शो में कहां कराना है? वेबसाइट पे, उसी पे चलो, वेबसाइट पे हमें शो कराना है उसको, यहां पर इस पे फ्रंट एंड पे शो कराना है, इस पे व्यू पे, इस पे शो कराना है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। तो अब मैं कहां चलना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन के मेथड पे चलना होगा। आओ, इसका मेथड कहां है रजिस्ट्रेशन का? हाँ, ऊपर 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 मेथड है ना, ऊपर 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 ही है, ऊपर ही। अरे मेथड पे बोला है मैंने, इसी पे, यही तो चल रहा है लाइन नंबर 64। हमें मैसेज शो कहां कराना है सब लोग? हमें मैसेज शो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे शो कराना है ना। तो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ब्राउजर पे दिख रहा है, वहीं तो मैसेज आएगा ना, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तभी तो मालूम पड़ेगा यूजर को कि भाई मेरा ईमेल पेज रजिस्टर्ड है। तो इसका मेथड कौन सा है? ये वाला तो है, 64 वाला। तो जो मैसेज मैंने 74 में लिखा है, जो मैसेज मैंने 74 में लिखा हुआ है, वो मैसेज को मैं कहां पास करना पड़ेगा? 64 में, तभी तो वहां पे शो करा पाएंगे फ्रंट पे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 74 पे आओ, yes, 64 पे आओ, 64 पे रजिस्ट्रेशन लिखो, लिखो कॉमा लगाओ, कॉमा, हाँ ही कॉमा लगाओ, ही तो यहीं से, तो यहीं से तो जाएगा फ्रंट पे, ये तो सबको पता है ना। अगर फ्रंट पे हमें कोई चीज शो करानी है तो यहीं से तो भेजते हम। हमें किसके फ्रंट पे शो कराना है? रजिस्ट्रेशन के फ्रंट पे शो कराना है। मैसेज कहाँ से आ रहा है? इनसेट से आ रहा है, बैकेंड से, बैकेंड से तो आ रहा है। हमने बैकेंड में चेक कर लिया कि भाई इसका ईमेल ऑलरेडी पहले से ही है, तो मैसेज शो कराना फ्रंट पे कराना है ना, तो हम बैकेंड से मैसेज कहाँ भेज रहे हैं? फ्रंट पे भेज रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाओ, सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना, सिंगल कोट रहा, सिंगल कोट कहाँ से आएगा? कर्ली ब्रैकेट आता है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो मैसेज कोलन, मैसेज कोलन req डॉट फ्लैश, req डॉट फ्लैश, फंक्शन का साइन सिंगल कोट में एरर, सिंगल कोट में एरर लिखो, सिंगल कोट लगा लो, सिंगल कोट में एरर। अब बात समझ में आई सबको? अब तो समझ आया। ये माइक बंद कर, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। अब आपने फॉर्म भर के सबमिट किया तो लाइन नंबर 67 वाला कोड चला, यहाँ पे चेक हुआ 70 पे, 71 पे चेक हो गया। अब इफ कंडीशन पे आया, लाइन नंबर 73 पे आया ना, इफ कंडीशन पे यहाँ लिखा है इफ के अंदर एडमिन। अब इस एडमिन में क्या आ रहा होगा, इस एडमिन डेटा आउट क्या आ रहा होगा? फिर हमने क्या लगाया, हम लगाया एक मैसेज, हम लिखा req डॉट फ्लैश और लिख दिया एरर के अंदर क्या स्टोर हो जाए, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और वापस से हमने उसको कहाँ पहुंचा दिया, लिखा ना res डॉट रिडायरेक्ट, वापस से हमने कहाँ पहुंचा दिया उसको, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। अब मैसेज मुझे कहाँ शो कराना था, रजिस्ट्रेशन के पेज पे शो कराना था।
अब रजिस्ट्रेशन का मेथड कौन सा है, सबको पता है 64 वाला मेथड वो। तो मैंने 64 के अंदर जाके मैसेज पास कर दिया, लिखा है देखो req डॉट फ्लैश सिंगलटन का एरर। अब जो इस एरर के अंदर जो आ रहा होगा वो मैंने किस में रख दिया, मैसेज में रख दिया। ये बात तो सबको पता रहता ना। तो अब इस मैसेज में क्या लिखा आ रहा होगा, ये तो आ रहा होगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। तो बोला करो भाई आप लोग तो सब शांत से हो जाते हो। यस सर, फ्लैश का मतलब क्या होता है? क्या किसका फ्लैश का क्या मतलब क्या इसका? फ्लैश पैकेज है क्या, पहली क्लास ले रहे हो? फ्लैश स्टॉलिंग के पैकेज लास्ट क्लास में करवाए थे, मैसेज शो कराने के लिए फ्लैश का यूज करेंगे पर भूल गए शायद, पढ़ते ही नहीं है। चलो अब मैसेज के अंदर मैसेज आ रहा होगा। अब इस मैसेज को आपको कहाँ शो कराना है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आओ, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, व्यू वाले पे, व्यू वाले पे नहीं, जहाँ कोड में ये ऊपर चलो, ऊपर चलो, यहाँ पे शो कराना है मैसेज लाइन नंबर 8 के नीचे। कभी देखी नहीं आप लोग मैसेज शो आते हैं, यहाँ पे शो कराना है मैसेज इस जगह पर। तो अब इस जगह शो कैसे कराएंगे, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी ना मुझे। रुको रुको, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे ऐसे थोड़ा शो करा देंगे अपन, कुछ भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीज़ अच्छे सीखने के लिए एफर्ट देने पड़ते हैं। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैसेज शो होना चाहिए। तो चलो अब लिखो, यदि आप चैट में ये पेस्ट कर लो, समझ में अपने आप आ जाएगा। चैट में चैट में इफ कंडीशन दी मैंने, इफ कंडीशन लगा दो लो, छोटी सी एक कंडीशन बस लो लगा दो। देखो सब लोग, इफ कंडीशन लगाई है मैंने, क्या कहा, इफ के अंदर मैसेज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है ना, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिप के अंदर लगा दिया अलर्ट, हटाओ हटाओ, देखो अलर्ट में लग दिया डेंजर और उसमें मैसेज पास कर दिया। ये लाइन समझ में आई, 9 वाली, 10 11 12 13, सब लोग है ना, इतना तो पता है सबको बेसिक चीज। अब तो सेव करो, अब चलो फॉर्म भरो, रिफ्रेश करके एक बार रिफ्रेश कर लो। अब डालना सेम ईमेल, तो देखो एक मैसेज आना चाहिए, तो आ गया मैसेज, दिख रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तभी तो सामने वाले को मालूम पड़ेगा। अब आपने फॉर्म भर के सबमिट किया, डेटा कहाँ गया होगा, बैकएंड उसमें गया होगा ना, एडमिन इंसर्ट पे आओ, कोड में आओ, कोड वाली से कोड में आओ, एडमिन इंसर्ट पे आओ, इस पे आया एडमिन इंसर्ट पे। फिर हमने लाइन नंबर 70 पे चेक किया है ना कि क्या ईमेल उसके अंदर एग्जिस्ट है पहले से, तो इफ कंडीशन लगा दी। अगर इफ में क्या लिखा हमने, अगर एडमिन में कुछ डेटा आ रहा होगा उठ के, तो हमने क्या किया एक मैसेज पास कर दिया, क्या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब जो मैसेज हमें शो कराना था रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, तो फिर हमने उसको मैसेज यहाँ से कहाँ भेज दिया, उसके रजिस्ट्रेशन का जो मेथड था वहाँ पे, क्योंकि वहीं से तो जाएगा फ्रंट पे शो कराने के लिए, तो हमने लिखा req डॉट फ्लैश एरर और मैसेज भेज दिया। अब तो समझ में आई बात की नहीं आई आप लोगों को? यस सर। तो बोलते हो, अब नोट करो, चला के देखो आप लोग। आ गया ना, नोट कर लो, चला के देखो मैसेज। सर नेम का लगाना हो तो नेम का भी सेम लगा सकते हैं ना सर? कैसा मतलब किसी और चीज के लिए लगाना हो तो सेम यूज कर सकते हैं सर? हाँ 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 हाँ, अभी मैं और करवाता हूँ, अभी तो एक ही यूज करवाया, बहुत सारे यूज करवाऊंगा अभी। और जो मैसेज आप लोग अपने उसमें भी लगा लेना सब में, एडमिन बैकएंड वाले पार्ट में भी, एडमिन में जो आप कराते हो ना ब्लॉग इंसर्ट कराते हो तो मैसेज आना चाहिए रजिस्टर सक्सेसफुली, अपडेट कराते तो मैसेज आना चाहिए अपडेट सक्सेसफुली, डिलीट करते हो डिलीट सक्सेसफुली है ना, तो ऐसे मैसेज आप लोग शो करा लेना अपने उसमें। मेथड पे आना, मेथड पे। तो हमने एक काम तो कर लिया सब लोगों ने है ना, अब दूसरा काम करते हैं, एक इफ कंडीशन चेक हो गई, अब एल्स में आ जाओ, उसी के नीचे एल्स लगा लो, एल्स वहीं एल्स लगा लो, एल्स एल्स लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ,
अब इसके अंदर हमें दूसरा काम चेक करना होगा। अब इसमें देखो इफ, देखो इफ फंक्शन का साइन लगाओ, देखो इसके अंदर नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंड लगाते जाओ, नेम कॉमा ईमेल एंड 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 आएगा, ईमेल एंड 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 नेम एंड ईमेल, हाँ ऐसे एंड साइन लगाओ, एंड ईमेल एंड दो बार एंड आएगा, ऐसी पासवर्ड, ऐसी पासवर्ड, हाँ सी पासवर्ड ऐसे लिख दो। अब इसका भी एल्स लगाओ, इसका भी एल्स लगाओ, एल्स इफ का एल्स लगाओगे ना, हाँ कर्ली ब्रैकेट्स आता है, कर्ली ब्रैकेट्स। आप पहले ऊपर के दो मैसेज कॉपी कर लो, इफ के अंदर पेस्ट कर दो, हाँ एल्स में डाल दो, एल्स में, एल्स में, एल्स में, एल्स में, एल्स में आएगी, हाँ मैसेज चेंज को लिखो, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। अब चेक करो जो वाला मैसेज चल रहा है, चल रहा, ऑल फील्ड आर, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, चेक करो, देखो सब दिख रहा है सबको, चलो अब इसके अंदर आ जाओ, अब लिखो इसके अंदर, इसके अंदर भी एक कंडीशन लगाओ, इसके अंदर भी एक इफ कंडीशन लगेगी, इफ एल्स, लिखो इसके अंदर पासवर्ड, लिखो पासवर्ड इक्वल इक्वल सी पासवर्ड, इसका एल्स लगाओ, इसका एल्स लगाओ, उसमें मैसेज डालो, जी दोनों मैसेज कॉपी करके चेंज करो, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, अब जाके चेक करो वेबसाइट पे, आ गया मैसेज, मैसेज आया था, मैसेज दिखाना, आ गया मैसेज। चलो पहले आप लोग इतना नोट करो, इतना को दिखा पाए, इतना लोग चेक करें, आप पासवर्ड के अंदर आ जाओ। सर मेरा भी सेम है लगा रहा सर, अभी ये कोड भेज देंगे ग्रुप में, थोड़ा चेक करो फेस कंडीशन ना गई है छोटी छोटी, यार आप लोग वही गलतियाँ कर रहे हो सर, वही है सर। तो ये सामने क्या चल रहा था, छोटी मोटी मिस्टेक सही करना सीखो, कुछ बड़ा कोड तो अभी वही नहीं है, फेस कंडीशन लगी है के लिए, है ना, वो देखो ना कि पहले वो मैसेज क्यों आ रहा है ना, पहले ईमेल चेक होगा, है ना, ईमेल अगर अलग अलग डाला होगा तो फील्ड चेक कर रहा होगा, है
ना, FS ब्रैकेट अगर सब चेक करो आप लोग यार, सीखो अब तो, इतना इतना आगे बढ़ गए आप लोग, अब तो अभी भी वही एरर्स करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। चलो तो नीचे वाला कोड उठाओ, ये 92 वाला ये कोड उठाकर उसमें डाल दो एल्स के अंदर, ये पूरा डालो पूरा उसमें, ले चलो पासवर्ड के अंदर। ट्राई कैश लगाया था, ट्राई कैश लगा लो, ट्राई कैश लगा लो। चलो थोड़ा थोड़ा सीखो अब चेक करना, छोटी छोटी गलतियां होती हैं अब तो। ट्राई कैच, कैच में फंक्शन का साइन एरर, अभी जी वाला मेथड ग्रुप में डलवा दूंगा पूरा, फिर देखना क्या गलती कर रहे हो। सीखना जरूरी है, कोड को ढूंढना जरूरी है, कोड में गलतियां कहाँ होती हैं। अब ट्राई के अंदर आ जाओ, पेस्ट कर दो यहाँ पर, ये कोड खोल लो नीचे वाला। यस सर, हो गया सर सही। अब क्या सही होगा बताओ, क्या गलती थी? सर वो आपने बोला था ना पेस्ट करने को, तो वो चेंज करना भूल गया था ना, चेक करना हाँ तो है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ सीखोगे तो कैसे बनेगा। यस सर, यस तो लोग डिपेंड हो जाओगे मुझ पर एकदम पूरे तरीके से। हाँ अब देखो हमने पेस्ट कर दिया, आप लोग पेस्ट कर ले ट्राई कैच वाला कोड जो आपका था ना पासवर्ड के अंदर, ट्राई कैच लगा पूरा, वही कोड डाल दिया मैंने। और एक बार देख लो, और एक एक मैसेज लगा लो यहाँ पे। अब जी मैसेज अपन लॉगिन वाले शो कराएंगे, अभी मैसेज बाद में लगाएंगे, बाद में लगाएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपन सीधे लॉगिन में पहुंचा देंगे उसको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपन डायरेक्ट कहाँ पहुंचा देंगे उसको, लॉगिन में पहुंचा देंगे सीधे, और अपन लॉगिन भी मैसेज शो करा देंगे। जी मैसेज कॉपी कर लेना, एक 79 वाला, 79 वाला मैसेज कॉपी कर पेस्ट कर देना 63 के नीचे, 63 के नीचे आओ ना पहले, जब कोड कर रहे थे अभी कहाँ पहुंच गए, नीचे आओ ना, नीचे नीचे आओ, कहते यहाँ लगा तो लो 73 के नीचे, 73 के नीचे है ना, यहाँ पे यहाँ पे लोगो सक्सेस करो जो लिखा है ना मैसेज, एरर को पहले सक्सेस कर दो, सक्सेस लिख दो, और यहाँ लिख दो रजिस्ट्रेशन सक्सेस प्लीज लॉग इन, कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली प्लीज लॉग इन। लगा लिया था ना मैसेज,
चलो अब उस पर चलो, अब लॉगिन के मेथड पे चलो। अब मैसेज अब लॉगिन मेथड शो कराना ना, लॉगिन के मेथड पे आना, ये दिया हुआ ऊपर ही। हाँ ये पास करो लाइन नंबर 49 पे, 49 में कॉमा लगा के लॉगिन के बाद रेंडर में, ये रेंडर में लॉगिन के बाद कॉमा लगाते हैं, नहीं लगाओ कॉमा। हाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, लिखो मैसेज कोलन आर ई क्यू कर्ली मैसेज कोलन मैसेज वो लिखते हैं ना सक्सेस। देखो अब चेक कर, अब वहां पर चलो नीचे करने को दिखा, पर दिखाओ तुमको, दिखा दो कोड में, था कोड में तुमने कहाँ लिखा मैसेज सक्सेस लिखा। अब पहले रुको, ये बस सब रुको, पैंता सब लिख लो, इतना लिख लो, पैंता लिख लो, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। सबने मैसेज पास कर लिए, अब सबने मैसेज लिख लिया जी वाले लॉगिन में। यस सर। अब ये मैसेज कहाँ शो होगा, लॉगिन पे। तो चलो पहले रजिस्ट्रेशन से कॉपी कर लेना मैसेज वाला, रजिस्ट्रेशन के व्यू से कॉपी कर लो मैसेज, और नीचे आओ यहाँ पे, यहाँ पे एक नीचे आओ, पहले पहले नीचे, पहले नीचे आओ ना जी, मैसेज कॉपी कर लो पहले, और इस मैसेज को पेस्ट कर दो जाके लॉगिन पे, लॉगिन के व्यू पे, लॉगिन डॉट ई जी एस पे, यहाँ पे ऐड लॉगिन के नीचे यहीं पेस्ट कर दो ना, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ डेंजर जगह सक्सेस कर दो, डेंजर लिखा उसको सक्सेस करो। सब देखो लॉगिन के व्यू पर, रुको 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 रुको, तो रुको तो अभी सुन चलेगा वो कोड में आओ। सब लोग ये मैसेज लगा लो लॉग इन डॉट ई जी एस पे जाके, और जहां पे लिखा है डेंजर उसको सक्सेस कर दो। अब उस पे चलो, फ्रंट कंट्रोल पे चलो, फ्रंट कंट्रोल पर नीचे आओ, नीचे आओ ट्राई कैच पे नीचे आओ, और नीचे आओ यहाँ पे लॉग इन करो, लॉग इन, लॉग इन ही है ना पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो लॉग इन ही है ना, सब लोगों का यहाँ पे रेंटर लॉग इन होना चाहिए ना। यहाँ पे लिखो नीचे, नीचे नीचे मैसेज लिखो, तो और चीज है प्लीज लॉग इन लिखो अंदर उसके सक्सेसफुली, तो उसी में लाइन नंबर 76 में कॉमा के बाद डबल कोट कॉमा लगा के बाद लिख दो प्लीज लॉग इन, ऐसे लगा के कुछ डिजाइन बना के लिख दो सिंपल, प्लीज लॉग इन कॉमा लगा के कुछ प्लीज लॉग इन हेयर लिखते हैं, जो भी मैसेज तुम्हारे हाथ में जो तुम्हें लिखना हो, ठीक है बाद में चेंज कर लेना। चलो आओ अब सेव करके चेक करो एक बार, फिर लोग भी करें नोट। चलो लॉग इन करो, अब नए से लॉग इन करना, रजिस्ट्रेशन करना नए से करो, नए से, अब तो नए से होगा ना सब, पुराने का फिर नहीं, नए से करो रजिस्ट्रेशन, लॉग इन में जाएगा और मैसेज शो कराएगा वो एक।
देखो मैसेज आ गया, सबको दिख रहा है स्पेलिंग तो सही लिखी होगी सर सक्सेस की। देखो देखो मैसेज आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन। वहां पर जाकर देखना स्पेलिंग सही लिखी है सक्सेस की, अलर्ट काम नहीं किया। लॉग इन डॉट ई जी एस पे SUCCES होता है, SUCCES। अब सेव करो, अब फिर से रजिस्ट्रेशन करो, फिर से रजिस्ट्रेशन करो। अब देखो ईमेल पहले से होगा ना, देखो सब लोग आ गए मैसेज, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन, है ना। अब इनको दिखा दो, इनको दिखा दो, आप लोग भी करो लीसी वाला काम।